बच्चे पढ़ाई शुरू करें हम लोग हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में यहां तक पहुंच गए थे बेटा हम लोग क्वेश्चन कर लिया था बेटा हम वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था है ना बेटा अब चला जाए अब चला जाए बेटा स्प्रिंग फोर्स में ठीक है देखो बेटा स्प्रिंग फोर्स तो देख बच्चा स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग यही जानते हैं बेटा कि स्प्रिंग फोर्स में किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता बच्चा ना है ना बेटा स्प्रिंग में नहीं होता ना स्प्रिंग लंबा भी हो सकता है स्प्रिंग छोटा भी हो सकता है है ना बच्चा चल मान ले ये मैंने माना बेटा एक स्प्रिंग तो देखो बेटा ये जो हमारा स्प्रिंग है अभी ये स्प्रिंग अभी जिस लेंथ में है इसको ना खींचा गया है ना धकेला गया है ना बेटा तो अभी जो इसकी लंबाई है वो लंबाई है एल ठीक है बेटा तो देखो बेटा सबसे पहली बात नो कॉन्स्ट नो कॉन्स्ट इज स्प्रिंग है ना बेटा स्प्रिंग के साथ किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लंबाई घट भी सकती है लंबाई बढ़ भी सकती है है ना बेटा अब देखो दूसरा पॉइंट है ना बेटा स्प्रिंग धकेल भी सकता है बेटा और खींच भी सकता है है ना देखो क्या कहोगे स्प्रिंग स्प्रिंग कैन पुल और पुश बोथ है ना बेटा खींच भी सकता है और धकेल भी सकता है ठीक है ना बेटा अब देखो तीसरा पॉइंट देखो बेटा आइडियल स्प्रिंग किसको कहेंगे हम तो कहेंगे बेटा आइडियल स्प्रिंग आइडियल स्प्रिंग इज मासलेस आइडियल स्प्रिंग है बेटा मास नहीं होगा है ना एंड 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 एक्सटेंडेबल एंड कॉम्प्रेसिबल ठीक है बेटा अप टू नो लिमिट विथ यूनिफॉर्म विथ यूनिफॉर्म बिहेवियर समझे बेटा स्प्रिंग के स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन में या एक्सटेंशन में कोई सीमा नहीं है बेटा है ना और उसका बिहेवियर भी एक जैसा रहेगा समझ गए बच्चा ये हुआ हमारा आइडियल स्प्रिंग के बारे में ठीक बेटा अब देखो आगे इस डायग्राम में देखना कहेंगे बेटा स्प्रिंग ऐसे लिखूं एल एल जो हमारा ना बेटा वो क्या है ये है नेचुरल लेंथ एल को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग नेचुरल लेंथ या फिर क्या बोलोगे बेटा फ्री लेंथ या फिर क्या बोलोगे बेटा अनस्टेच लेंथ ठीक है बेटा सब का मतलब एक ही है जब स्प्रिंग पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा होगा बेटा तो जो लंबाई होगी उसे नेचुरल लेंथ कहा जाएगा ठीक है बच्चा लिख लो इसको एलएम कठिन लग रहा है क्यों भाई आसान चैप्टर है तो है तो ध्यान से पढ़ो आसान लगेगा अच्छी है थैंक यू बच्चा अमित शुक्ला टी डॉट ए इक्वल टू जीरो कब यूज करते हैं बेटा इतना तेरे को यूज करके बताया अब तो पूछ रहा है कब यूज करते हैं बताओ कितनी गंदी बात है ये हो गये बेटा, तो पे देख ले। देख में क्या दिक्कत आ रही है भाई दिक्कत अगर आ रही है बेटा तो वीडियोस दोबारा देख लो है ना देख बच्चा आगे देखो बेटा अब मानो ये स्प्रिंग है बेटा हमने यहां से आगे की ओर फोर्स लगाया है ना बेटा तो यहाँ से आगे की ओर फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग खींचेगा बेटा और खींचता ही चला जाएगा क्या या कहीं रुकेगा बेटा रुकेगा ना तो कहोगे ये स्प्रिंग जो है बेटा खींचेंगे अगर हम लोग तो किसी पार्टिकुलर लंबाई के एक्सटेंशन के बाद और आगे नहीं जाएगा बोलो बेटा ये हो गया एल प्लस एक्स है ना तो देख बेटा जब मैंने खींचा इसको तो तो इसकी लंबाई हो गई है ना बेटा तो अब देखो इस वाले, में, इस वाले में जब मैंने फोर्स लगाया है ना बेटा तो विरोध करने वाला कोई फोर्स नहीं है लेकिन हम इसकी आगे नहीं जा पाए बच्चा और अगर हम इसकी आगे नहीं जा पाए इसका क्या मतलब हुआ बेटा इसका मतलब यह हुआ बेटा कि पीछे से स्प्रिंग का फोर्स हमारा विरोध कर रहा है है ना इसके आगे नहीं गया तो एफ और स्प्रिंग फोर्स दोनों बराबर है ना बच्चा इसका मतलब क्या कहोगे एफ इक्वल टू एफ एस पी बोलो बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट इसलिए वेक्टर यहां माइनस यहां वेक्टर बोलो बच्चा बात समझ गया ना ठीक है बेटा अब सुनना ध्यान से मान लो अगर तुम्हारा ये स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड है और तुम चाहते हो बेटा कि थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें तो तुम्हें और फोर्स लगाना पड़ेगा ना ये महसूस करते हो ना कि जितना सारा ज्यादा तुम्हें चाहिए होता है बेटा एक्सटेंशन उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा है ना तो क्या देखते हो तुम कि एफ जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, है जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाते हो है ना बेटा उसी डायरेक्शन में पॉइंट आगे बढ़ता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन बेटा है कि नहीं और यहाँ हमने क्या कहा था इक्वल टू माइनस एफ एस पी बेटा इसका मतलब क्या हो गया बोलो कि एफ एस पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स इन वेक्टर फॉर्म है ना बच्चा लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड में क्या लिखोगे सिंपल लिख देना एफ एस पी इज इक्वल टू के एक्स है ना बेटा तो ये जो के हमने यूज किया वो के क्या है तो कहोगे के इज कॉन्स्टेंट ऑफ ये क्या है बेटा कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या नाम दिया गया इसको इसको नाम दिया गया बेटा क्या स्प्रिंग्स कांस्टेंट इसको नाम दिया गया बेटा स्प्रिंग्स कांस्टेंट स्प्रिंग का कांस्टेंट ठीक है बच्चा बात समझे देखो बच्चा आगे देखो बेटा ये जो हमारा के है बेटा ये जो हमारा के है ना दिस के इज इक्वल टू ए वाई बाई एल है ना वाई क्या है यंग्स मोडलॉस ऑफ इलास्ट्रीसिटी एल क्या है नेचुरल लेंथ और ए क्या है बेटा तो कहोगे एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन ठीक है बच्चा तो क्या कहोगे प्रोपोर्शनल टू ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ मतलब लंबाई अगर आधी कर दे बेटा तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डबल हो जाएगा है ना बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है स्प्रिंग का हार्डनेस खींचते अगर खींचने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है आराम से खींच गया इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट कम है बेटा है ना बात समझे ठीक है बेटा स्प्रिंग हमेशा चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ का विरोध करता है है ना बेटा बात समझ में आया ना जैसे कि सोचो मान लो अगर मैं कहूं बेटा स्प्रिंग की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी ओरिजिनल खींच करके मैंने कर दिया बेटा 12 सेंटीमीटर तो एक्सटेंशन कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर है ना बच्चा और खींच के 15 सेंटीमीटर तो का एक्सटेंशन पहले से था तो बोलेंगे टोटल एक्सटेंशन कितना हमारा है बेटा पांच सेंटीमीटर का ठीक है बेटा एक्सटेंशन और कंप्रेशन हमेशा कहां से नापोगे तो फ्रॉम नेचुरल लेंथ ठीक है बच्चा ये बात समझ गए फिर से बोलता हूं अगर स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर लंबी थी बेटा खींच करके तुमने 12 सेंटीमीटर कर दिया तो एक्सटेंशन कितना हो गया बेटा 2 सेंटीमीटर का तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा तो कहोगे के इंटू टू सेंटीमीटर है ना बेटा किस तरफ तो कहोगे नेचुरल लेंथ की तरफ स्प्रिंग अपने आप को क्या चाहता है हमेशा नेचुरल लेंथ में रखना चाहता है ठीक है बच्चा कहोगे स्प्रिंग ऑलवेज ट्राइज ऑलवेज ट्राइज टू कीप इट सेल्फ कीप इट सेल्फ इन नेचुरल लेंथ है ना बेटा स्प्रिंग हमेशा अपने आप को नेचुरल लेंथ में रखने की कोशिश करता है खींच करके वापस वो नेचुरल लेंथ में आना चाहता है ठीक है बच्चा तीसरा अगला पॉइंट है ना बेटा कहोगे ए, ए ऐ, स्प्रिंग ए स्प्रिंग कैन नॉट चेंज इट्स फोर्स विदाउट चेंजिंग लेंथ है ना बेटा जब तक अपनी लंबाई को नहीं बदलेगा बेटा तब तक वो फोर्स नहीं बदलेगा है ना इसका उदाहरण कुछ यूं समझो जैसे कि मान लो बेटा अगर मैं कहूं एक रस्सी है इस रस्सी में यहां लटका है बेटा दो किलोग्राम का मास और यहाँ लटका है तीन किलोग्राम का मास ठीक है बेटा है ना चलिए इससे बात करते हैं देख बेटा सब लोग अपना नाम सही कर लो है ना जिसका नाम सही नहीं होगा बेटा उससे बात नहीं करूंगा मैं हैंड रेस करोगे फ्री बात नहीं करूंगा डॉट स्लैश क्या क्या रखता है नाम आलोक रंजन बोलो आलोक रंजन अनम्यूट किया यस. Yes, हाँ बोलो बेटा तो जुड़ाग्राम में रस्सी दिखाई मैंने यस. Yes, रस्सी के ऊपर वाली रस्सी पे कितना टेंशन होना चाहिए कौन सा सर ये जो डायग्राम में ये डायग्राम में इस रस्सी में कितना टेंशन ऊपर वाले में सर हाँ बेटा नाम तुम्हारा अच्छा है लेकिन बेटा सच्चा नहीं है हमको सच्चा नाम चाहिए बोलो आलोक यस yes, सर हाँ बेटा बोल यहाँ कितना टेंशन होना चाहिए अच्छा हाँ बताओ यहाँ कितना टेंशन सर वहाँ पे थर्टी न्यूटन सर और यहाँ बेटा वहाँ पे सर फिफ्टी न्यूटन हो जाएगा पचास होगा ना यस yes, सर अब सोचो अगर मैं इस रस्सी को काट दू है ना yes, यस yes, अब क्या बचेगा ऐसे बचेगा ऐसे yes, यस तो अब बताओ यहाँ कितना टेंशन हुआ वहाँ पे सर ट्वेंटी न्यूटन बताओ यहाँ पहले कितना था uh, न्यूटन अब कितना है अब ट्वेंटी है yes, तो अब सोचो मान लो इसको छुपा दू मैं तो क्या इन दोनों रस्सी में कोई अंतर तुम देख पाओगे दिखेगा अंतर कुछ सर no, नहीं दिखेगा ना इसके no, मतलब रस्सी जो है अपनी लंबाई में बिना परिवर्तन किए हुए फोर्स को बदल सकता है yes, sir. सही बात ना yes, sir. अब देखना स्प्रिंग में मान लो मैं कहूँ फिर से वैसे ही डायग्राम है ना बेटा ऐसे एक स्प्रिंग उसके नीचे फिर दो किलोग्राम मास फिर उसके नीचे स्प्रिंग फिर यहाँ तीन किलोग्राम मास है ना बेटा तो yes. फिर से बताओ इस वाले स्प्रिंग में कितना टेंशन होगा अभी सर उस सर yes, अब सोचो कि जैसे ही तुम्हें काटोगे बेटा स्प्रिंग को तो ये जो मास होगा थोड़ा सा भाग जाएगा ऊपर यस yes, बोलो ऐसा होगा ना yes, थोड़ी सी लंबाई छोटी हो गई ना यस और यहाँ हो जाएगा बीस न्यूटन यस yes, इसके मुताबिक स्प्रिंग इस को बेटा अपने फोर्स को बदलने के लिए लंबाई को चेंज करना जरूरी है ना यस सर बिना लंबाई बदले हुए क्या फोर्स को बदल सकता है नो सर वही लिखा मैंने को yes, एक पॉइंट यस एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम यस ओके बच्चा थैंक यू थैंक यू सर फटाफट देख लो बोल रही वीडियो ब्लर्ड ब्लड है बताओ बाकी बच्चों बाकी बच्चों वीडियो सही आ रहा है बेटा बढ़िया आ रहा है ठीक है इसका मतलब श्रिया तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है इसका मतलब सर ये ए क्या है यहां पर ए बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विंडो के पास चली जाओ विंडो वगैरह के पास चली जाओ ओपन जगह के पास थोड़ा जाओ ही बोला बेटा कहीं खुली जगह पे जाओ विंडो वगैरह के पास चली जाओ खिड़की के पास थोड़ा बेटर ने, बेटर नेटवर्क आएगा वैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा इसको तुम वहां देख लेना हाईवर के की वैल्यू दी होती है ना बेटा अभी सच्चा नाम है ओके आदि गॉट इट कहा अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो करता हूँ हमेशा अपलोड कितना बार बोल चुका हूँ तुम लोग को उसका लिंक इस सारे स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है क्या हाँ बच्चा सर मेरा भी असली नाम है नटवर लाल तुम बहुत फर्जी आदमी है कभी तू लिखता है नटवर लाल कभी लिखता है नेटवर्क के लाल कभी नेटवर्क का लाल बहुत फर्जी लाल तुम के वेलू निकालने का फॉर्मूला नहीं होता है क्या अभी जरूरत नहीं बेटा ज्यादातर क्वेश्चन में के दिया रहेगा दीपक ने बता दिया इसका असली नाम अक्रम है अच्छा नेटवर्क लाल असल में अकरम है सर आप अपनी साइट क्यों नहीं बनाते ऑनलाइन के लिए साइट बनाए क्या करूंगा हो गया बच्चा लिख लिया सब लोग वाजी बोलता है आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो थैंक यू बच्चा मैं अच्छा मैं रोज होता हूँ निहाल लिख रहा है हाँ सर अक्रम ने नटवर लाल बन के सबको बहुत उल्लू बनाया <laughs> लेकिन मेरे को पहले दिन सोन में आ गया था नटवर लाल कोई नाम रखता नहीं है अपना जब से फर्जी नटवर लाल का राज खुला है तब से कोई भी आदमी अपना नाम नटवर लाल रखता नहीं है कनक पूछती है कि आपका बर्थडे कब होता है मेरा बर्थडे होता है बेटा फाइनेंशियल ईयर के एंड में द लास्ट डे ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाते लाइव आकर उस पर सब चलता है उस पर सही चलता है अच्छा उस्मान ने सही पकड़ा श्रिया ने भी सही पकड़ा नदीप ने भी सही पकड़ा शाबाश बहुत इंटेलिजेंट तुम लोग भाई चलो बेटा कुछ क्वेश्चन किया जाए देखो बच्चा क्वेश्चन हमारा क्या है देखो बच्चा क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग डायग्राम इन द फॉलोइंग डायग्राम्स दिए हुए सारे डायग्राम में है ना बेटा स्प्रिंग्स आर आइडियल स्प्रिंग बेटा आइडियल है है ना एंड मासस एंड मास आर इन इक्विलियम मासज बेटा सभी के सभी इक्वलियम में है ठीक है सवाल क्या है एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन डायग्राम देखना है और डायग्राम देख के तुम्हे जज करना है बेटा कि वो एक्सटेंशन में है या कॉम्प्रेशन में है देखो बच्चा पहला सवाल पहला सवाल है सीलिंग सीलिंग के सहारे एक स्प्रिंग लगाया बच्चा स्प्रिंग है दो किलोग्राम का और स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा वन थाउजेंड न्यूटन पर मीटर ठीक है दूसरा सवाल दूसरा हमारा सवाल है बेटा बी वाले पार्ट में सरफेस है फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये एंगल है बेटा सैंतीस डिग्री और यहाँ से एक स्प्रिंग आया यहाँ लगा एक मास फाइव किलोग्राम का यहां से एक और स्प्रिंग आया और यहाँ है बेटा ये दो किलोग्राम का ठीक है बेटा ये हमारा है दो सौ न्यूटन पर मीटर और ये है बेटा एक हजार न्यूटन पर मीटर ठीक है बेटा अब देखो सी में सी में हमारा है सी है बेटा एक ब्लॉक है उसके ऊपर एक और ब्लॉक है बेटा और ये एक मासलेस पैन है है ना बेटा ये है बेटा दो किलोग्राम और ये है तीन किलोग्राम और इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा है स्प्रिंग का कांस्टेंट है बेटा 500 न्यूटन पर मीटर ठीक है चलो बनाओ क्वेश्चन आसानी है बच्चों इसलिए आंसर सही गलत बोलने की जरूरत नहीं सही गलत नहीं बोलूंगा मैं बस तुम बनाते जाओ मैं बनाऊंगा आंसर मैच कर लेना नया बंद कर रहा है थी। आपने आंसर नहीं किया किस बात का किस बात का किया तू तो क्वेश्चन क्या किया बेटा आर्यन रजनीश वाले अपनी लाइव क्लास के लिए साइट क्यों नहीं बनाते रजिस्टर बनाया तो गया था बेटा लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया चल देख बच्चा मैं करता हूँ करना तुम लोग तो देखो बेटा ये मास जो है ये स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है ना बच्चा इस जो को मास रहा है नीचे इसका मतलब बेटा ये स्प्रिंग जो है मास को भी खींचेगा बेटा है ना तो देखो इस वाले पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऐसे 2g और स्प्रिंग फोर्स लगेगा बेटा ऐसे एफ बोलो बेटा है ना और तुम कहोगे कि देखो बेटा ये फोर्स ऊपर लग रहा है इसका मतलब ये एक्सटेंडेड है है ना इसका मतलब इसमें क्या है बेटा तो इसके अंदर एक्सटेंशन है बच्चा है ना और क्या तो का होता है बेटा के एक्स और वो होना चाहिए टू जी इसका मतलब एक्स इक्वल टू ट्वेंटी डिवाइड बाई वन थाउजेंड मीटर दैट इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर ठीक है बच्चा ठीक है देखो बच्चा आगे दूसरे वाले में दूसरे वाले में देख बेटा दो ही स्प्रिंग है ना रे दूसरे वाले में बेटा दो ही स्प्रिंग है ना तो सब लोग जानते हो में इतना कर चुके बेटा हम लोग प्रैक्टिस ये तुमको शायद याद हो गया होगा कि मास पे जो नीचे की तरफ फोर्स होता है बेटा ये होता है टू जी साइन ठीठा बोलो इधर होता है बेटा टू जी साइन थर्टी सेवन तो टू जी साइन थर्टी सेवन बेटा कट गया थोड़ा सा एक मिनट ये तो बेटा टू जी साइन थर्टी सेवन का फोर्स नीचे खींचता है बेटा ये है ना और स्प्रिंग जो है देखो अगर इक्विबरियम में रखना इसको है तो इस इसको बेटा तो स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगा ये हो गया बेटा हमारा ठीक है तो क्या लिख देंगे हम लोग लिख देंगे बेटा एफ एस वन एफ एस वन इक्वल टू के एक्स वन के हमारा है बेटा टू 200. हंड्रेड तो टू हंड्रेड एक्स वन शुड बी इक्वल टू टू जी साइन 737 है ना बेटा तो हो गया वन इक्वल टू ये आ गया बेटा हम लोग का 12 तो ये हो गया बेटा 12 डिवाइड बाय 200 मीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बोलो बच्चा ये हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर है ना बेटा अब इसकी बात करते हैं ठीक है बेटा पांच के जी के फ्री बॉडी डायग्राम को बेटा अच्छे से देखना तो देखो बेटा तुम अपने आप को खुद को महसूस करो बेटा अगर तुम खुद को महसूस करो इमेजिन करो कि एक हाथ से तुम कोई खंबा पकड़ लो या कोई रस्सी पकड़ लो ठीक है बेटा और दूसरा हाथ तुम्हें कोई खींचे दूसरा हाथ खींचेगा बेटा तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा जो ये हाथ जो रस्सी को पकड़ा था वो रस्सी खींचेगा बोलो बेटा इसका मतलब क्या हुआ स्प्रिंग के दोनों एंड पे फोर्स हमेशा एक जैसा होगा है ना बच्चा या तो दोनों तरफ खींचेगा या दोनों तरफ धकेलेगा है ना बच्चा तो देख अभी के डायग्राम में अभी के डायग्राम में इस पांच के की बात कर बच्चा तो कहेगा पांच के की बात करूं अगर मैं तो पांच के पे नीचे की तरफ का फोर्स तो हो गया बेटा है ना अब देखो बेटा स्प्रिंग जो है अपने दोनों एंड को खींचेगा बेटा यहाँ से भी खींचेगा और यहां से भी खींचेगा ठीक है तो यहां से भी खींचेगा नीचे की तरफ कितने से तो कहोगे एफ एस वन बेटा एफ एस टू है ना तो so क्या लिखोगे इक्वेशन एफ एस वन एफ एस टू इज इक्वल थर्टी सेवन है ना बच्चा एफ एस वन क्या हो गया ये हो गया बेटा वन थाउजेंड एक्स टू इज इक्वल टू ये हो गया बेटा कितना हमारा ये हमारा हो, हो गया कितना बोलो ये हो गया हमारा कितना था 2g sine 37 ये 5g sine 37 तो ये हो गया बेटा 7g sine 37 है ना बेटा इसका मतलब x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो ये कितना हो जाएगा 42 42, 42 divide by 1000 इसका मतलब हो गया बेटा ये 4.2 सेंटीमीटर बोलो ठीक है बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबू Osionfish. देख बच्चा ये जो स्प्रिंग है तो पक्का ऊपर खींचेगा ना है ना और स्प्रिंग जो होता है बेटा अगर तुम इसको दबाओगे तो दोनों तरफ और खींचोगे तो दोनों तरफ से खींचेगा तो स्प्रिंग इधर से भी खींचेगा इधर से भी खींचेगा ठीक है बेटा स्ट्रिंग के जैसा स्ट्रिंग के जैसा ही सोचो ना स्ट्रिंग के दोनों एंड पे होता है टेंशन ना बच्चा अब देखो इस वाले केस में इस वाले केस में देखो बेटा अगर मैं टू के की बात करूं, तो टू के के लिए क्या बोलोगे ऊपर नॉर्मल नीचे टू जी ये मूव नहीं कर रहा है बच्चा इसका मतलब एन इक्वल टू ट्वेंटी न्यूटन है ना बेटा अब चलो थ्री के के बारे में तो देखो बेटा थ्री के के बारे में कहोगे थ्री वाले के लिए क्या कहोगे बेटा ये नॉर्मल ऊपर तो यहां से नॉर्मल नीचे एक्शन रिएक्शन बोलो बच्चा ये हो गया बेटा एक्शन रिएक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा बेटा 3g है ना तो देखो बेटा ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ है ना मतलब स्प्रिंग को रोकने के लिए ऊपर फोर्स देना पड़ेगा बेटा बोलो ये देना पड़ेगा ना एफएस तो एफएस इक्वल टू क्या लिख दोगे n plus 3g दैट इज इक्वल टू 5g बोलो बेटा दैट इज इक्वल टू 5g है ना बेटा b सी रहा हो हो गया 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 बेटा बेटा और ये एक्स. तो एक्स आ 10 पॉइंट वन मीटर और दस सेंटीमीटर है ना बेटा ये ही स्प्रिंग एक्सटेंशन ये ही स्प्रिंग एक्सटेंशन और ये ही स्प्रिंग कॉम्प्रेशन ठीक है बच्चा लिख लो नोट कर ले बेटा हाँ बेटा कर दूंगा अपलोड हम लोग कॉमन सेंस ही बता सकते हैं एक्सटेंशन कंप्रेशन अच्छी बात है बेटा बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ये कोई दिक्कत नहीं चलो आगे सवाल देखिए बच्चा देखो बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि एक सीलिंग बेटा ये हमारा एक स्ट्रिंग है ना स्ट्रिंग से एक मास लटका है बेटा और इस मास से एक स्प्रिंग लटका है ठीक है यह है बेटा तीन किलोग्राम का मास ये है दो किलोग्राम का मास ठीक है इसे पहला सवाल क्या है पहला सवाल है फाइंड फोर्स इन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग स्प्रिंग में और स्ट्रिंग में फोर्स निकालना है बेटा कब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है है ना बेटा दूसरा सवाल फाइंड इनिशियल फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ मासेस जस After, after just after a string is cut, है ना बेटा रस्सी को जैसे ही काट देंगे रस्सी को काटने के तुरंत बाद है ना बच्चा रस्सी को काटने के तुरंत बाद क्या होगा दोनों बॉडीज का इनिशियल एक्सेलरेशन सी फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन of masses and tension in a string just after just after a spring is cut but एक्सरसाइज अंडर स्कोर नाइनटीन सोल्यूशन प्लीज क्या है भाई नटवर लाल सही है आगे बढ़ो उत्कर्ष भी सही हो आगे बढ़ो अगर स्प्रिंग का फोर्स अंदर की तरफ है तो एक्सटेंशन है बच्चा स्प्रिंग का फोर्स अगर बाहर की तरफ है तो कॉम्प्रेशन आगे बढ़ो बच्चों नटवर लाल सही है नहीं नहीं गलत है दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ के की वैल्यू जरूरत नहीं बेटा क्योंकि एक नहीं पूछा है बेटा दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ तुम ट्राई कर लो देखो बट्टा मैं करता हूं अब तुम क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि तो मैं इरेज कर दूंगा बेटा देखो बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए चाहे पूरा इरेज कर दे रहा हूं बेटा इरेज कर दे रहा हूं पूरा तुम ले लो स्क्रीन शॉट देख बेटा फर्स्ट वाले पार्ट में फर्स्ट वाले पार्ट में देख बच्चा कहेगा इस बॉडी का एफ इसके लिए ऊपर हो जाएगा बेटा टेंशन नीचे हो जाएगा स्प्रिंग का फोर्स फोर्स है ना और नीचे फोर्स, 3g इसके लिए बेटा इसके लिए बोलोगे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स 2g ऊपर हमारा बेटा स्प्रिंग का फोर्स एफ है ना बेटा ये बॉडी मूव तो कर नहीं रहा है ना तो क्या लिखोगे एफ एस इक्वल टू टू जी इसके लिए बेटा t इक्वल टू एफ एस प्लस थ्री जी तो क्या आ गया बेटा आ गया एफ एस इक्वल टू ट्वेंटी नहीं और t आ गया बेटा पचास न्यूटन ठीक है अब आ जाओ बी वाले पार्ट में बी में कहता है बेटा स्ट्रिंग इज बींग कट स्ट्रिंग काट दिया तो स्ट्रिंग को काटते ही स्ट्रिंग का फोर्स गायब हो जाएगा बेटा स्प्रिंग का फोर्स गायब हो गया तो ये टी गायब हो गया तो तो टी गायब हो गया बेटा है ना तो डायग्राम में टी गायब कर दो इधर क्या हो जाएगा बेटा थ्री और ये हो जाएगा हमारा FS. इसके लिए बेटा ऊपर हो हो जाएगा FS. है ना? नीचे टू जी बोलो ठीक बेटा और सुनो सवाल ने कहा है बेटा इनिशियल एक्सीलरेशन, इसका मतलब बेटा मासेस को मूव करने का समय नहीं मिला अगर मास को मूव करने का समय नहीं मिला बेटा इसका मतलब इस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो अगर इस डिस्टेंस से बेटा किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग जितना लंबा यह था बेटा उतना ही लंबा अभी भी है तो अगर स्प्रिंग की लंबाई सेम बेटा तो फोर्स भी सेम रहेगा तो पहले इसका फोर्स था बेटा 20 न्यूटन इसका मतलब अभी भी इसका फोर्स कितना होगा बेटा 20 न्यूटन अभी भी कितना होगा बेटा ये 20 न्यूटन है ना तो देखो ऊपर नीचे फोर्स बेटा बराबर है इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए है ना बेटा लेकिन इसका देखो फोर्स अनबैलेंस है बेटा इसका मतलब इसमें होगा एक्सीलरेशन मान लो b तो क्या लिखोगे 3g plus 20 equal to 3b इसका मतलब बेटा b equal to 50 by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया बेटा ये समझे ना अब चलो सी में देखें बेटा सी वाले पार्ट में कहता है कि इस बार स्प्रिंग को काट दो तो इसको के बेटा वो तो फोर्स गायब हो जाएगा इसका मतलब ये वाला बॉडी पे अब कहोगे दो तीन के वाले पे कि टेंशन तो लगता रहेगा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स थ्री जी लगता रहेगा बेटा इसके लिए इसके लिए हमारा बोलेंगे कि टू लगता रहेगा स्प्रिंग का फोर्स गायब हो गया बेटा तो अब देखो एक ही फोर्स है एफ बराबर एम इसका मतलब बेटा इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो जी के बराबर हो जाएगा बोलो ठीक है बेटा लेकिन यहां देखो रस्सी पे तुम भरोसा नहीं कर सकते तुमको एग्जांपल दिखाया ना मैंने कि रस्सी रस्सी का फोर्स बिना लंबाई चेंज किए भी चेंज कर सकता है ना बच्चा तो यहाँ का टेंशन बेटा अगर था पचास न्यूटन तो ये तुम सोचो पचास न्यूटन होगा ये संभव नहीं है ये वैल्यू बदल सकता है है ना बेटा अब सोचो रस्सी का काम क्या है दो चीजों को बीच को बांध के रखना इसका मतलब बेटा बॉडी जो है इसको बांध के रखा है ना ये सीलिंग से बांध के रखा है ना इसका मतलब बेटा ये मास को नीचे जाने नहीं देगा इसका मतलब इसका जो एक्सलेशन हो जाएगा बेटा वो जीरो हो जाएगा और टेंशन टीडस हो जाएगा बेटा तीस न्यूटन समझ गए ठीक है लिख लो बेटा एक बार स्प्रिंग कट करी है सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में स्प्रिंग कट करी है रस्सी का काम है दोनों बॉडीज को अलग नहीं होने देना थर्ड वाले हैं बेटा टेंशन सेम नहीं रहेगा ना तुमको एग्जाम्पल दिखा था ना पहले मैंने कि रस्सी को टेंशन बदलने के लिए लंबाई को बदलने की जरूरत नहीं है बेटा तो बिना लंबाई को बदले हुए भी अपना फोर्स चेंज कर सकता है जबकि स्प्रिंग नहीं कर सकता है ना बच्चा ठीक है तो टिडेस की वैल्यू 50 न्यूटन होगी या नहीं होगी ये हम नहीं बोल सकते बेटा बात समझे अब तुम सोचोगे कि गिवेन कंडीशन में रस्सी जो दो चीजों को जोड़ के रखा है बेटा उसको अलग नहीं होने देगा ठीक है ना इसका मतलब सीलिंग और ब्लॉक साथ में रहेगा तो ब्लॉक का एक्सीन जीरो हो जाएगा बेटा हाँ लुभाव नहीं बिल्कुल सही बोली तुम सीलिंग से बंधा इसलिए ऐसा होगा अगला सवाल देखो बनाओ वैसे अभी तुम हैंड्रेस कहाँ की है तेरा तो हैंड दिखाई नहीं अरे अभी दिख रहा है हैंड्रेस अब दिखा बोलो वैसे नवी सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछना था सर जो अ... फर्स्ट पार्ट सर जो आपने किया तो जो एफ एस पी जो है स्प्रिंग फोर्स है सर वो जो ऊपर वाला ब्लॉक था जिससे स्प्रिंग कनेक्ट मतलब जो थ्री के जी वाला ब्लॉक था तो हाँ। उसके ऊपर क्यों, क्यों नहीं लगता मतलब उसके ग्रेविटेशनल uh, फोर्स की डायरेक्शन में क्योंकि अच्छा, इमेजिन तो, करो इमेजिन करो बेटा कि छत के सहाय रस्सी बंधी है और रस्सी से ब्लॉक बंधा है ठीक है बेटा यस सर तो ब्लॉक पे टेंशन का डायरेक्शन किधर होता है सर सीलिंग की तरफ और सीलिंग पे कैसा होता है टेंशन और वो ब्लॉक की तरफ या मास की तरफ नीचे की तरफ होता है ना यस सर नीचे बस वही समझो बेटा वही सेम कंडीशन यहाँ भी करना हम लोग को है सर हम ये कह रहे हैं लेकिन ये तो स्प्रिंग का फोर्स है सर मतलब बेटा तो स्प्रिंग जो है मतलब रस्सी में क्या बोली तुम कि पुलिंग फोर्स होता है ना बेटा पुलिंग का मतलब कि रस्सी अपने दोनों एंड को खींचेगा अपनी तरफ यस सर तो वैसे ही स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन आ गया तो स्प्रिंग भी दोनों एंड को खींचेगा अपनी तरफ ओके okay, सर तो अपने आप को यूँ सोचो बेटा कि मान लो तुम्हारा दया हाथ को खींच रहा हो पकड़ के है yes, ना तो तुम बाया हाथ से किसी को पुश कर सकती हो क्या नहीं सर खींच सकती हो लेकिन उसको ना यस सर समझ गई यस सर अब क्लियर है ओके okay, बच्चा आदि पूछ रहा है टेंशन 30 आया है हाँ स्ट्रिंग में 30 आया टेंशन था पहले ये भी था बेटा एकलीवरियम में हाँ 10 डाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं अली यहाँ बोलो सर मेरे मैसेज आ रहा है आपके पास मैसेज मैसेज सर दिखा नहीं मुझे अब तक हाँ दिखाता है मैसेज हाँ दिखाता है अरे सर फिर वही दिक्कत हो गई सर फिफ्टी न्यूटन ट्वेंटी का 20... बेटा आवाज लड़का आ रही है तुम्हारी एकदम सर फिफ्टी न्यूटन और सर ट्वेंटी बाय सेवन मीटर पर स्क्वायर आंसर बता रहे हो हाँ सर टेंशन सर 50 न्यूटन और सर एक्सीलरेशन दोनों का सर 20/7 किसका 4 का और 3 का यस yes, सर और 2 केजी का सर 2 केजी तो कट कर दिया ना आपने सर लोअर स्प्रिंग कट हाँ तो उसका कितना एक्सीलरेशन सर उसका 10 हो जाएगा बिल्कुल सही गुड उस्मान चेक कर लो फोर के जी थ्री के का टेंशन थर्टी आएगा नहीं नहीं जरूरी नहीं है बेटा ऐसा थर्टी आएगा नहीं वो चेक करना पड़ेगा बेटा आलोक का टेंशन आ गया एक सौ दस नहीं हो सकता बच्चा चो देखो मैं करता हूं देखो बेटा जब ये सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में होगा तो फोर के जी के लिए ये फोर के जी के लिए बोलोगे ऊपर हमारा स्प्रिंग का फोर्स एफ एस वन नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स और नीचे टेंशन इसके लिए बेटा इसके लिए बोलोगे थ्री के जी के लिए नीचे स्प्रिंग का फोर्स FS2, नीचे, फोर्स नीचे और ऊपर रस्सी का टेंशन टी ठीक है बेटा इसके लिए क्या बोलोगे इसके लिए बोलोगे बेटा टू के जी के लिए ऊपर स्प्रिंग का फोर्स एफ एस टू ग्रेविटेशनल फोर्स टू जी है ना बेटा ये बॉडी मूव नहीं किया ये बॉडी मूव नहीं किया इसलिए एफएस2 का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन है ना बेटा और यहाँ अगर 20 न्यूटन ये 30 न्यूटन तो टी हो गया बेटा 50 न्यूटन यहाँ देखो 4g plus t और ये एफएस1 इसका मतलब बेटा एफएस1 इक्वल टू हो गया 90 न्यूटन ठीक है बेटा है ना हम इस बात का भरोसा कर सकते हैं बेटा कि अगर स्प्रिंग की लंबाई नहीं बदली तो फोर्स नहीं बदला होगा लेकिन यही बात बेटा हम स्प्रिंग में नहीं बोल सकते है ना बच्चा अब देखो सवाल का हमारा अब कहता है स्प्रिंग तो स्प्रिंग दिया तो फोर पे अभी भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा एफ एस वन नीचे लगेगा बेटा फोर जी और नीचे लगेगा टेंशन इस पे बोलोगे बेटा ऐसे लगेगा टेंटी ऐसे लगेगा बेटा थ्री जी है ना एफ एस टू गायब हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग कट गया अब इसके लिए बोलोगे बेटा कि इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स 2g इसका भी ये फोर्स गायब हो गया तो, तो टू जी इसका है है अब यहाँ देखो टेंशन पे हम भरोसा नहीं कर सकते बेटा है ना टेंशन पहले अगर यहाँ था बेटा पचास तो अभी पचास होगा ये नहीं कह सकते है ना बेटा तो इसको मैंने मान लिया टीडैस ठीक है बेटा अब जरा गौर करो को तो इस वाले पॉइंट की बात करो और इस वाले पॉइंट की बात करो है ना बेटा इन दोनों पॉइंट की अगर बात करो बेटा ये दोनों पॉइंट की बात करो है ना तो ध्यान दो बेटा रस्सी का जो टेंशन है बेटा वो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है लेकिन किसी भी कीमत पर इन दोनों को अलग होने नहीं देगा बच्चा और अगर ये दोनों अलग नहीं होगा इसका मतलब इसका और इसका इन दोनों का बेटा एक्सिलेशन की वैल्यू सेम होगी बोलो बेटा स्ट्रिंग अपनी वैल्यू जरूर चेंज कर सकता है बेटा लेकिन लंबाई तो बदल सकता नहीं इसका मतलब दोनों का एक्सीन बेटा बराबर होगा ठीक है और वन की वैल्यू? वन की वैल्यू? हो हो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा नाइन्टी माइनस फोर्टी माइनस ट्री डेस इक्वल टू फोर बी होगा बेटा और इसके लिए क्या लिखोगे ट्री डेस माइनस थ्री जी इक्वल टू थ्री बी इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो आएगा b इज इक्वल टू कितना ये हो जाएगा पचास माइनस तीस ये 20 by 7 meter per second square. और इस b को यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा टीड इक्वल टू कितना बेटा g प्लस बी तो हो जाएगा दस प्लस ट्वेंटी बाई सेवन तो सत्तर दस बीस नब्बे दो सौ सत्तर दो सौ सत्तर बेटा सात न्यूटन ठीक है बेटा देख लो नोट कर लो बच्चा और अब चलो आगे करेंगे डिस्कस हम लोग बोलो सर गलती ओके okay, बच्चा हर्षदीप हैंड्रेज करो हर्षदीप हैंड्रेज करो बोलो हर्ष हर्षदीप सर वो डैश वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया सर अच्छा बेटा ये बात समझ में आई कि टेंशन की वैल्यू सेम नहीं कर सकते हाँ सर मतलब वैल्यू बदला होगा कुछ बोलो हेलो हसदीप हेलो सर आवाज आ रही है हाँ अभी आ रही है बेटा ये बात समझ में आई तुमको कि टेंशन सेम नहीं करना हमको है हाँ सर ये समझ में आ गई अच्छा ये बात समझ में आती अच्छा, है बेटा कि रस्सी की लंबाई बदल सकती नहीं हाँ सर इसका मतलब दो मास जो आपस में जोड़ रखे हैं वो दोनों अलग नहीं हो सकता यस yes, सर अलग नहीं हो सकता इसका मतलब बेटा दोनों का सेम ना एक्सेलरेशन हम्म यस सर बस यही कॉन्सेप्ट लगाया मैंने ओके सर बेटा ऑप्टिक्स में कहा तक कर चुके थे डिस्कस बताओ ऑप्टिक्स में क्या करना है डिस्कस हम लोग को आज आदि पूछ रहा है कि तो स्प्रिंग तो मासलेस रॉड ही हो गया सर नहीं बेटा रोड कैसे मानोगे रॉड में तो लंबाई चेंज नहीं कर सकते ना बेटा कोई बताओ ना क्या डिस्कस करना है मुझे एडवांस वाले क्वेश्चन कर रहे थे अच्छा एक्साइज थ्री पार्ट वन सत्ताईस तक कर लिया था करना है ओके okay, बच्चा ठीक, निकालो बेटा सीट सर स्ट्रिंग में भी नहीं हो रही ना चेंज लंबाई हाँ स्ट्रिंग में लंबाई चेंज नहीं हो रही बिल्कुल बिल्कुल हम मैं स्प्रिंग पढ़ लिया तेरा कमेंट पहले वाला चलो बेटा सीट निकालो एक्सरसाइज थ्री पार्ट वन थ्री पार्ट वन में सत्ताईस से लेकर तीस तक पूछना है कोई ईश्वर को पूछना है सत्ताइस नेटवर को पूछना है तीस सत्ताइस और तीस हो गया देखो बच्चा सत्ताइस नंबर क्वेश्चन कहता है ए पैरल ऑफ लाइट एजेंसी रेन फ्रॉम एयर एट एन एंगल अल्फा ऑन द साइड पी क्यू

कहता है बेटा अगर अल्फा के वैल्यू 45 रखते हो बेटा तो अल्फा अगर तुम 45 रखते हो इसका मतलब यू लाइट निकल गया बेटा है ना और फिर यहां से यू लाइट आ गया और यू आ करके ये हो गया बेटा क्रिटिकल एंगल तभी ना मानोगे एक्सट्रीम बाहर नहीं निकल पाया तो देखो बेटा म्यू तुम्हारा दिया है रूट टू तो क्रिटिकल एंगल क्या बोल दोगे सी इक्वल टू साइन वर्स ऑफ वन बाई मू ये तो आ गया बेटा फोर्टी फाइव डिग्री है ना तो देखो बेटा ये ये एंगल एंगल हो गया, है ना? ये 45 एंगल हो गया गया है 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 ना हमारा ठीक ठीक बेटा अब इसको मान लो एंगल इसको मान लो बीटा तो यहाँ क्या लिखोगे वन इंटू साइन फोर्टी फाइव इक्वल टू रूट टू इन टू साइन बीटा तो देखो बेटा बीटा आ गया हमारा 15 डिग्री है ना बेटा अब देखो ये एंगल हमारा है थीटा ये ट्रायंगल में देखना बेटा ये एंगल थीटा प्लस ये पूरा एंगल बेटा ये हो गया 90 प्लस बीटा प्लस ये एंगल 90 माइनस सी शुड बी इक्वल टू 180 ये तो कैंसिल हो गया थीटा इक्वल टू सी माइनस बीटा अच्छा ये 30 हो जाएगा ना इसका मतलब बेटा ये आ गया कितना फिफ्टीन डिग्री समझा बेटा अब देखो तीस नंबर अब देखो बेटा तीस नंबर सवाल में कहता है ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फिफ्टी सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए तीन कन्वेक्स लेंस ऑफ़ फोकल लेंथ थर्टी सेंटीमीटर देखो बच्चा ये हमारा हुआ लेंस इसका फोकल लेंथ है बेटा 30 सेंटीमीटर यहां से रखा बेटा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है कितने पे बेटा 50 सेंटीमीटर पे है ना तो रे कैसे जाएगी बेटा बोलो एक तो यू जाएगी रे स्ट्रेट है ना बेटा और एक रे बेटा यहाँ से जाएगी और इमेज कहाँ बनेगा निकाल सकते हो ना भी इक्वल टू यू एफ बाई यू प्लस एफ है ना बच्चा U पंद्रह सौ पंद्रह 1500 है ना बेटा और बेटा बीस तो हो गया पचहत्तर सेंटीमीटर तो मतलब बेटा रे कितना चाहिए यहाँ पे रे यहाँ पे कितना चाहिए बेटा पे? तो कहोगे से पचहत्तर सेंटीमीटर दूर ठीक है बेटा अब कहता है उसके आगे एक मिरर लगाया बेटा सौ सेंटीमीटर रेडियस का ठीक है बेटा है ना तो देखो हालांकि मिरर रखा हुआ टेढ़ा है ना लेकिन तुम कर लो उसको सीधा तुम कर लो के बेटा सीधा तो कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा बेटा है ना कितना दूर रखा हुआ था यहाँ से यहां से रखा था बेटा ये पचास सेंटीमीटर पे ये था बेटा पचास सेंटीमीटर पे इसका मतलब ये हो गया पच्चीस सेंटीमीटर बोलो बेटा अब यहाँ से रे हो जाएगी रिफ्लेक्ट रे हो जाएगी बेटा रिफ्लेक्ट है ना तो क्या कहोगे रे तो यहाँ से यहाँ गई लेकिन यहां से हो जाएगी बेटा ये रिफ्लेक्ट तो अब कहोगे बेटा फॉर मीर सब लोग फॉर मीर यू इक्वल टू प्लस पच्चीस सेंटीमीटर एफ इक्वल टू प्लस हंड्रेड सेंटीमीटर तो इसका v कितना हो जाएगा बेटा तो कहोगे एफ बाई यू माइनस एफ यू इन टू एफ ये हो गया बेटा पच्चीस सौ है ना और ये हो गया हमारा एक सौ पच्चीस देखो तो नहीं पत्तर कुछ गड़बड़ है क्या कुछ गड़बड़ है रुको अच्छा बेटा रेडियस था सौ सेंटीमीटर इसके रेडियस था सौ सेंटीमीटर ये हो जाएगा पचास ये हो गया बेटा बारह पचास और ये हो जाएगा बेटा पच्चीस इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा पचास सेंटीमीटर नेगेटिव में आ जाएगा बच्चा है ना तो पचास सेंटीमीटर बेटा नेगेटिव में मतलब कहा हो गया यही वाला पॉइंट ना हो गया बेटा इसका मतलब रे जो है यहाँ से फिर ऐसे आएगी और ये रे यहां से ऐसे आई बेटा ये दोनों यहाँ पे है बना हमारा इमेज यहां तक बात समझ गए ठीक बेटा अब सोचो अब सोचना हमको ये बेटा कि इस मिरर को घुमा देना है मिरर को घुमा देना है कैसे घुमाना है मिरर को देखो कितना एंगल पे घुमाना है बेटा तो कहोगे मिरर को घुमाना है बेटा कितना एंगल से 30 डिग्री सब लोग ध्यान दो बच्चा कहोगे मिरर को मुझे ऐसे घुमा देना है बच्चा है ना तो मिरर अगर मैं ऐसे घुमा दूंगा तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ आ जाएगा और ये एंगल हो जाएगा बेटा हमारा 30 डिग्री ठीक है तो अब बताओ मिरर घुमाते हो बेटा कितना थीटा मिरर घुमाते हो थीटा एंगल तो रे कितनी घूमती है याद करो डबल घूमती है ना बच्चा इसका मतलब मिरर घुमाया अगर तीस डिग्री तो ये रे घूम जाएगा सात डिग्री तो देखो बेटा ये वाली रे अगर घूम जाएगी सात डिग्री इसका मतलब ऐसे निकल जाएगा बेटा रे है ना बेटा बोल ऐसे निकलेगा तो यहाँ कहीं बनेगा इमेज बोलो तो जो इमेज यहां से पचास दर था बेटा अब यहाँ से पचास सेंटीमीटर हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा बेटा हमारा सात डिग्री समझे है ना तो अब कहता है बेटा उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना अब एंगल पता है डिस्टेंस है बेटा चौतीस तक चौतीस तक में कोई चौतीस पूछना है इस बार को देखो बेटा क्वेश्चन नंबर चौतीस कहता है बेटा ए right वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा? फोकस से पास करता हुआ, तो फोकस से पास करने वाली इमेज कैसे जाएगी बोलो अगर ऐसे बड़ा वायर रखा है बेटा और ये फोकस है तो यहां से रे ऐसे बनाओ तो यहां से रे ऐसे जाएगा बेटा तो रिफ्लेक्शन के बाद यूं जाएगा ना रे बोलो इसका मतलब बेटा ऑब्जेक्ट अगर इस लाइन पे है तो इमेज बनेगा बेटा इस लाइन पे बोलो ठीक है तो आंसर कौन सा हो गया डी वाला हो जाएगा बेटा आंसर ना आगे चलो नेटवर्क को पूछना है बत्तीस बत्तीस पूछना है देखो तो बेटा बत्तीस में देखो बेटा हम यहां लगाएंगे म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर है ना बेटा सुनना ध्यान से जहां से लाइट इंटर की बेटा जहां से लाइट इंटर किया म्यू कितना है देखो वन पॉइंट सिक्स वहां तो ये हो गया हमारा 1.6 और वहां पे एंगल हमारा है 30 है ना बेटा अब देखो जहां से जहां से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब लौट रहा है तो देखो बेटा जहां से भी लौटेगा है ना यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा नब्बे डिग्री ना तो टू कर दो म्यू टू इन टू साइन नाइनटी इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा हमारा म्यू टू इक्वल टू जीरो पॉइंट एट बोलो बेटा हो जाएगा तो म्यू टू अगर जीरो पॉइंट एट है बेटा है ना तो क्या होगा एम माइनस कौन सा होगा बताओ डेल्टा इन हो रहा है पॉइंट वन इसका मतलब हाँ देखो म्यू वन टू था बेटा म्यून पॉइंट सिक्स तो क्या लिखोगे चेंज चेंज इन कितना हो गया? तो में हो गया गया तो में बेटा और एक स्लैब के बाद चेंज करता है पॉइंट वन तो कितने स्लैब पार करना पड़ेगा उसको आठ स्लैब पार करेगा नवा में जाएगा ना बेटा अब पार्ट टू में आ जाओ पार्ट टू में बोलो क्वेश्चन नंबर एक से पांच पार्ट टू हो चुका है क्या पार्ट टू नहीं वो आई उसको पूछना है पांच नंबर सवाल देखो बेटा पांच नंबर तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर पांच पांच में कहता है लेट द एक्स वाई प्लेन और द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया जेड मोर देन जीरो अरे तो क्वेश्चन कराया हुआ है इतने सीट के सवाल था एक्स एस टू पार्ट टू में था ये किया हुआ है बेटा ठीक है आगे पूछो दस नंबर तक नौ नंबर पूछना है देखो बट नौ नंबर में नौ नंबर कहता है बेटा डायमीटर ऑफ ए

रेडियस मान लिया मैंने स्मॉल आर तो स्मॉल आर हो जाएगा बेटा तीन सेंटीमीटर है ना अब कहता है स्पीड ऑफ लाइट भी दिया हुआ है तो उससे तुम म्यू निकाल लो म्यू कितना हो जाएगा तो थ्री बाई टू ठीक है बच्चा तो कहता है बेटा कितना होगा फोकल लेंथ समझे बेटा लेंस जो होता है ना ये ऐसा होता है सर्किल के आकार का ये डायमीटर छह सेंटीमीटर रेडियस हो गया है तीन तो देखो बेटा इस सरफेस का अगर रेडियस है मान लो कैपिटल आर तो देखो बेटा ऐसे ना बनेगा इसका सेंटर बोलो है कि नहीं तो ये कितना हो गया बेटा तो ये हो गया आर माइनस थ्री मिलीमीटर बोलो इसको मान लो आर मिलीमीटर तो आर माइनस थ्री और ये कितना है बेटा ये है आर ठीक है तो पाइथागोरस तो थ्योरम लगा लो क्या कर दोगे आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर माइनस थ्री का स्क्वायर बेटा तो आर निकल गया क्योंकि ये तो आर हमको पता है ना बोलो ठीक है तो आर निकल गया रेडियस कर्वेचर निकल गया बेटा तो वन बाई एफ का फॉर्मूला लगाओ और एफ निकल जाएगा ठीक है पंद्रह तक दस नंबर सत्रह नंबर देखो भाई दस नंबर दस नंबर सवाल क्या कहता है देखो कहता है बेटा द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन अरे बेटा प्रिज्म का ग्राफ तो कराया हुआ क्लास में है बेटा क्यों पूछ रहे हो दस नंबर ऐसा बनता है ग्राफ ना ऐसा ना बनता है ग्राफ तेरह चौदह देखो बेटा तेरह में तेरा कहता है बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ग्लास प्रिज्म ऑफ प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है रे आया थीटा एंगल पे वुड गेट ट्रांसमिटेड थ्रू एसी कहता एसी से बाहर निकलना चाहिए एसी से बेटा बाहर निकलना है देखो तो ये हो गया प्रिज्म इस पे आया बेटा रे थीटा एंगल पे है ना बच्चा इधर रे चला गया आर एंगल पे और कहता यहां से बाहर निकलना चाहिए इसका मतलब बेटा आर की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम हो गई बोलो आरडेस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम हो गई बच्चा है ना इसका मतलब कितना बेटा? तो ये है ना बेटा? तो देखो आरडेस अगर इतना है बेटा तो आर क्या होना चाहिए तो आर कहोगे ए माइनस आर है ना बेटा अब सोचो आरड से सी बड़ा है ना बेटा तो अगर आरडेस की हम बड़ी वैल्यू पुट कर दें आर की वैल्यू बड़ी पुट कर देंगे तो आर छोटा हो जाएगा ना बेटा बोल ए माइनस बड़ा हो जाएगा सी से ही बेटा अगर मैं सी पुट कर दू अगर मैं बड़ी वैल्यू पुट कर दू है ना तो ये छोटा हो जाएगा ना तो आरडेस छोटा हो जाएगा बेटा किससे ए माइनस साइन वर्स वन बाई म्यू से है ना बच्चा एक मिनट रुक जाओ देखे तो क्या कंडीशन है ठीक है ठीक है बच्चा अब देखो अब लिखोगे इस वाले पॉइंट पे वन इंटू साइन इक्वल टू माइन आर इसका मतलब बेटा, साइन वर्स वन बाई म्यू बोल बच्चा ठीक है इसका मतलब लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए माइनस साइन वर्स ऑफ वन बाय म्यू बोल बच्चा समझ गया कौन सा ऑप्शन दो नंबर के आंसर साइन था ना ये तो साइन वर्ड देखो तो दो नंबर आंसर है क्या बेटा अगर मैं की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम अगर आरडेस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम बच्चा है ना तो आरडेस की जगह मैंने बड़ी वैल्यू पुट कर दी अच्छा बड़ी वैल्यू पुट कर दी तो छोटा हो जाएगा सही बोला बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा बेटा तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा ठीक है आगे चलो आगे बताओ थर्टीन तो हो गया और क्या पूछना है बेटा फिफ्टीन तक और कोई ट्वेंटी तक 17 पूछना है देखो बेटा सेवनटीन में नंबर का टैंक मेड ऑफ ग्लास विद थिक बॉटम इट इज फिल्ड ए लिक्विड ऑफ ऑफ्टिव इंडेक्स म्यू देख बच्चा एक कोई टैंक है ये टैंक में का बॉटम बहुत थिक है बेटा ये बॉटम बहुत थिक है इसके ऊपर भर दिया पानी इसके ऊपर भर दिया पानी म्यू इक्वल टू म्यू म्यू दिया इसका और इसका है 1.5 ठीक है बच्चा इनरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट द इंसिडेंस एंगल आई इस बीम ऑफ लाइट इंटरिंग द लिक्विड

इस चैप्टर का नहीं है बच्चा ये आगे चलो बीस तक में अठारह और उन्नीस पूछना है देखो बच्चा अठारह और उन्नीस अठारह नंबर सवाल अठारह कहता है बेटा द वेरिएशन ऑफ स्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए क्रॉन ग्लास थिन प्रिज्म

देख बेटा इस सवाल कहता है वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए क्रॉन ग्लास थिन प्रिज्म विद वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट इज सोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द करेक्ट वन कौन सा ग्राफ सही है बेटा इफ डीएम इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ठीक है बच्चा डीएम कहां है अच्छा ठीक है वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है बच्चा एना? तो मिनिमम डिविएशन तो, भी घटेगा ना बोलो क्या फॉर्मूला होता है याद करो म्यूल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू है ना म्यू घटेगा तो डेल्टा भी घटेगा इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होना चाहिए बेटा ऑप्शन नंबर वन समझ गए उन्नीस देखो तीन कॉन्वेक्स लेंस एल इज प्लेस ऑन ए प्लेन मिरर एम कहता है बेटा वो है अठारह सेंटीमीटर इफ इट्स रियल इनवर्टेड इमेज फॉर्म एट एट सेल्फ एस इन द फिगर व्हेन द लिक्विड ऑफ म्यू इज पुट इन बिटवीन लेंस एक बच्चा एक लेंस हो गया दिया हुआ उसके नीचे लिक्विड का लेंस उसके नीचे मिरर इन तीनों को बना करके बनाओ बेटा मिरर 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 बनेगा बनेगा वो कॉनकेव कॉनकेव उस का निकालो फोकल लेंथ ठीक है बच्चा उसका फोकल पता लग गया बेटा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल जाएगा जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही प्लेस करोगे तो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा एक ही जगह पे ठीक है बच्चा ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा सिंपल ग्लास की दो क्वालिटी है बेटा उसका टेंशन मत ले ग्लास की दो क्वालिटी है बस देखो नेक्स्ट क्लास के लिए दे रहा हूं बेटा एनएलएम ए बी सी रुक जाओ चेक करूंगा अभी और दे सकता हूँ कि नहीं चेक करता हूँ बेटा रुक जाओ खुल ही नहीं रहा है फाइल यार चलो ए बी सी डी करके आना तुम ए बी सी डी कर लेना है ना एक्सरसाइज वन पार्ट वन पार्ट टू ठीक है बेटा दोनों पार्ट का बेटा चल अभी के लिए बाय हैव ए गुड डे बच्चा लोग पढ़ाई करो मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा